हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स के बारे में हम उसके एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द वीडियो एंड जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए आप सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और सब वीडियो से रिलेटेड सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिस लिटरेरी टर्म की, वो है एलेगरी। आप सभी एलेगरी को समझते होंगे, बट थोड़ा सा मैं डिफाइन आपको कर देती हूँ। एलेगरी जो होती है, एलेगरिकल पोएम की अगर बात करें तो ये नैरेटिव पोएम्स होती हैं या प्रोज होते हैं। जो एलेगरिकल वर्क्स लिखे जाते हैं वो प्रोज या पोएट्री किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जो कि सेकेंड मीनिंग कैरी करता है। कोई वर्ड होता है, कोई सेंटेंस होता है, उसके बिनित एक तो उसका लिटरल मीनिंग हुआ जो वो वर्ड होगा, बट उस लिटरल मीनिंग के बिनित या सरफेस में आपको सेकेंड मीनिंग भी उसका पता चलता है। मीन्स वर्ड कुछ और होते हैं, बट पोएट या राइटर जो होता है वो कहना कुछ और चाहता है। दैट द थिंग इज रिलेटेड टू एलेगरी। तो यहाँ पे हो रहा है सेकेंड मीनिंग बिनिथ द इमीडिएट सरफेस काउंट विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलोंग विद इट सरफेस स्टोरी। एक सरफेस स्टोरी चलती रहती है, बस उसके बिहाफ में राइटर या पोएट क्या कहना चाह रहा है उस वर्ड के थ्रू, उस स्टोरी के थ्रू, वो उसको हम एलेगरिकल वर्क या एलेगरिकल पोएम या एलेगरिकल प्रोज बोलते हैं। जॉन बनियन की Pilgrim's Progress is one of the important work related to allegorical work. Spencer की अगर बात करें, Fairy Queen जो है वो भी एक allegorical poem है और epic poem है, allegory में लिखा गया है। Edmund Spencer ने इसको लिखा हुआ है। Next important term की बात करते हैं, that is ballad. Ballad की बात करेंगे तो ये एक narrative poem होता है, means ये long poem होती है जो कि story के साथ में होती है। तो narration होता है, किसी story को narrate करता हुआ poet जब कोई poem लिखता है उसको बैलेट बोलते हैं। यूजली सिंपल एंड वेरिंग इन साइज, इट डील्स विद सम पैट्रियोटिक एंड रोमांटिक थीम्स। अगर बैलेट की बात करोगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी वॉर या पैट्रियोटिक जो सब्जेक्ट मैटर या उस पे बेस्ड ऑन आपको पोएट्री मिलती है जो कि बैलेट में लिखी जाती है। द राइमिंग स्कीम इज अदर ए बी सी बी और ए बी ए बी। तो चार लाइन का एक स्टैंजा होता है जो बैलेट में लिखा जाता है। बैलेट पोएट्री जो होती है वो फोर लाइन के एक स्टैंजा में लिखी जाती है और इसमें फोर फोर लाइन के स्टैंजाज होते हैं। राइमिंग स्कीम की बात कर ली हमने, ए बी सी बी हो सकता है या ए बी हो सकता है। पैट्रियोटिक या रोमांटिक थीम को डिस्कस करता हुआ जब कोई पोयम किसी नैरेटिव या नैरेशन के वे में लिखा जाता है, स्टोरी के वे में लिखा जाता है, उसको हम बैलेट बोलते हैं। कॉलरिज की द एंशियंट मैरिनर इज वन ऑफ द लॉन्ग पोयम नैरेटिव पोयम दैट कम्स इन द कैटेगरी सब जॉनर ऑफ बैलेट। किड्स ला बेली डैम सेंस मर्सी, अब आपने ला बेली डैम सेंस मर्सी जरूर पढ़ी हुई होगी। इसमें एक पैट्रियोटिक थीम को डिस्कस करता हुआ, पैट्रियोटिक स्टोरी को डिस्कस करता हुआ जॉन किड्स ने ये पोएट्री लिखी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे फ्रेंड्स, ओड। ओड की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है दिस इज अ लिरिक इन अ फॉर्म ऑफ एड्रेस। ओड में हम किसी चीज को एड्रेस करते हुए, डिग्निफाइड इन थीम होता है, फीलिंग स्टाइल्स एंड टोन। क्या बात होती है, जो पोयम जो लिरिक वे में लिखी जाती है, बट इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि ये किसी एड्रेस के फॉर्म में होती है, किसी को संबोधित करके लिखी जाती है। डिग्निफाइड थीम डिस्कस होता है इस पोयम में। फीलिंग एंड स्टाइल एंड टोन आर आल्सो वेरी डिग्निफाइड रिलेटेड टू दिस पोएट्री। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओड, जिसमें हम पिंडारिक ओड की बात करते हैं, होरेशियन ओड की बात करते हैं, मॉडर्न ओड की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ओड से रिलेटेड आपको एक स्पेशल वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा, मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ में। तो ओड का पूरा डिफाइन करा हुआ है इस वीडियो में, क्या होता है पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड, मॉडर्न ओड, ओड, उन सबको हमने डिस्कस करा हुआ है उस पर्टिकुलर वीडियो में। यहाँ पे आपको मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ब्रीफ ओवरव्यू है। ओड की अगर बात करें तो कौन कौन से वर्क्स लिखे गए हैं ओड में, ग्रेस प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड इज इम्पोर्टेंट वर्क दैट कम्स अंडर द सब कैटेगरी ऑफ ओड। शेली ओड टू द वेस्ट विंड, आप सभी इस पोएम को पढ़े होंगे। वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी एंड ओड टू ड्यूटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके पोएम्स हैं, कॉम्पोजिशंस हैं। कीट्स ने ओड पे बहुत वर्क किया हुआ है, बहुत पोएट्रीज लिखी हैं, जिसमें ओड ऑन अ ग्रेसियन एंड ओड टू अ नाइटिंगेल आर इंपॉर्टेंट पोएम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की फ्रेंड्स, तो सोनेट है। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स जो कि लेट मिडिल एज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ये अगर हम बात करते हैं 14 मिडिल एज की बात करें तो आप ये समझो कि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द एलिजाबेथन एरा, सोनेट एक अपराइजिंग या आप कर लो एक डेवलपिंग पोएट्री थी, एक
फॉर्म ऑफ पोएट्री थी जो कि उस टाइम पे पॉपुलर हुई। स्पेसिफिक बात है कि सोनेट लिखते वक्त ये सिर्फ 14 लाइन का पोयम होता है। सर थॉमस वेट इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि 14th सेंचुरी या मिडिल लिटरेचर की बात करें तो सर थॉमस वेट को क्रेडिट जाता है इसको इंग्लिश लिटरेचर में इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का। ट्रेडिशनल और इटालियन फॉर्म की बात करें तो एक ट्रेडिशनल इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट को जानते हैं हम, जिसका राइमिंग स्कीम ABBA ABBA CDE CDE के फॉर्म में होता है। ये इटालियन फॉर्म बोलते हैं सोनेट का या पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं, जैसे कि जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसी फॉर्म पे, इसी राइमिंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए जॉन मिल्टन ने अपनी पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी हुई है। इसके साथ साथ सेकेंड जो अगर सोनेट की बात करते हैं, वैसे स्पेंसेरियन सोनेट भी है जो स्पेंसर ने अपने फॉर्म में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक है इंग्लिश सोनेट जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट के नेम से जानते हैं। इसका राइमिंग स्कीम जो होता है ABAB CDE CDE EF EF and GE, लास्ट में दो कपलेट होते हैं। बट पेट्रार्कन सोनेट में आप देखोगे यहाँ पे सेस्टेट एंड ऑक्टेव होते हैं, ये टू पार्ट्स में पेट्रार्कन सोनेट जो होता है वो डिवाइड होता है। शेक्सपियरियन सोनेट में फोर लाइन्स के थ्री स्टैंजास होते हैं एंड लास्ट में वन कपलेट होता है। जैसे शेक्सपियर का टाइम एंड लव की बात करें या जो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, ये इंपॉर्टेंट इनका सोनेट सीक्वेंस है जो कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है। 154 ओवरऑल सोनेट शेक्सपियर ने अपने लिटरेरी करियर में लिखा हुआ है, ये सभी आप सब कुछ जानते हो। तो जितने भी सोनेट्स उन्होंने लिखे, मैक्सिमम जो उन्होंने राइमिंग स्कीम यूज करी है थ्री स्टैंजा एंड वन कपलेट, थ्री स्टैंजा ऑफ फोर लाइन्स ईच एंड वन कपलेट जो कि जी जी से ये एंड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे लिरिक पोएम की, लिरिक जो लिटरेरी टर्म्स है उसकी बात करेंगे। दिस इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री एंड द सब्जेक्ट इज बीइंग संग टू द अकंपनीमेंट ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट एक्सप्रेसेस इंटेंस पर्सनल फीलिंग इन द मैनर ऑफ सॉन्ग। दिस टाइप ऑफ पोएट्री एक्सप्रेसेस द थॉट एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट। तो इस तरीके की जो पोएट्री होती है फ्रेंड्स, वो जो होती है लिरिकल जो पोएट्रीज होती है, आप लिरिकल पोएट्रीज का जो अबाउंडेंस देखोगे या लिटरल लिरिकल पोएट्री रोमांटिक एरा में आप बहुत ज्यादा देखोगे क्वांटिटी में कि इस टाइम पे लिरिकल पोएट्रीज बहुत लिखी गई है, क्योंकि रोमांटिक एरा में जो पोएट्स होते थे वो अपने इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स को, सब्जेक्टिव जो मैटर्स हुआ करते थे उनको पोएम्स के वे में एक्सप्रेस करते थे, अपने पर्सनल फीलिंग, अपने पर्सनल थॉट को, इमोशंस को पोएम्स के थ्रू करते थे, एक्सप्रेस करते थे, उनको गाते थे। एंड दिस इज दी form of the poetry, this is also one of the literary term we have in English literature. Edgar Allan Poe, Annabella Lee is one of the important lyrical poem and साथ ही साथ Shakespeare के जितने आप Wordsworth के जितने आप poetries देखोगे या आप उस time पे Coleridge की poetries देखोगे, they all are lyrical poetries we have. Next one we have here, blank verse is a poem, it is a literary term जहाँ पे iambic pentameter के form में poetry लिखी जाती है, but they do not have to follow any rhyming scheme. Yes, such poetries which do not have to follow any rhyming scheme, they are called blank verse. Blank sonnet by George Eliot is one of the important work. And साथ ही साथ blank verse में Paradise Lost लिखी गई है जो कि John Milton ने लिखी हुई है. Blank verse आप समझ चुके होंगे कि इस तरीके की poetry में एक दूसरे से lines जो होती हैं वो rhyme नहीं करती हैं. iambic pentameter के फॉर्म में ये पोएम लिखी जाती हैं। We have another one literary term that is couplet. Two consecutive lines of poem, usually of the same length that rhymes, are called couplet. जब किसी भी पोएम में, किसी भी स्टैंजा में दो लाइंस जो होती हैं एक दूसरे से राइम करती हुई हैं और वो सेम लेंथ की होती है, मीन्स iambic pentameter में लिखी गई लाइंस एक दूसरे से राइम करती हैं, उसको हम कपलेट बोलते हैं। जैसे जहां भी होगा राइम स्कीम AA होगा या तो BB होगा या तो CC होगा या तो DD, इस तरीके की पोएट्रीज जो लिखी जाती हैं, पोएम्स लिखी जाती हैं, उनमें एक दूसरे से लाइंस जो होती हैं वो राइम करती हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अलोन पोएम दैट वाज रिटन बाय एडगर एलन पो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स की बात की जो कि हमारा ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। आगे हम सेकेंड पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चैनल के साथ में बने रहिए एंड कीप लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर विद इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।